Hello guys, welcome back to EduPlan. I hope you all are fine at your home. So today, we are going to make a project through JavaScript. So let's see what's the project. चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज हम दो प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है? तो पहले हम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या जाना है, सबसे पहले आपको क्रिएट पर जाकर डांस पार्टी को सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो ये आ गई आपकी न्यू स्क्रीन आ गई। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है सेटअप और ये आपको ब्लॉक्स दिए हुए हैं, ठीक है? तो मुझे करना क्या है, पहले हम अपना टारगेट डिसाइड कर लेते हैं। मुझे एक तो कैट को डांस करवाना है और एक मुझे बियर को डांस करवाना है। तो सबसे पहले मैं डांसर सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है मेक अ न्यू कैट एट अ टॉप, ठीक है? अब एक और डांसर लेना है मुझे, तो मैं कोई भी ले सकती हूँ। इसी ऑप्शंस को मैंने दोबारा ले लिया, इसको मैंने अब सेटअप में डाल दिया। एक तो मैंने कैट ले ली और दूसरा मैं ले लेती हूँ बियर, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप। अब मैंने दोनों में क्या है, दोनों आपके टॉप पे आ रहे हैं। अगर मैं इसको ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करती हूँ तो एक के ऊपर एक स्प्राइट आ जाएगी, देखिए, ठीक है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैं इसको ले लेती हूँ लेफ्ट में, यानी कि कैट आ जाए लेफ्ट में और बियर आ जाए आपका राइट में। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ, अब मेरे पास दो स्प्राइट आ गई। अब मुझे क्या करना है, अब मैं चाहती हूँ कि जब मैं अप की को प्रेस करूँ, देखिए यहाँ पे की दी हुई है, ये आपकी अप की है और ये आपकी डाउन की है। मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं अप की को प्रेस करूँ तो जो हमारा बियर है वो डांस करे और जब मैं डाउन की को प्रेस करूँ तो जो हमारी कैट है वो डांस करे। तो इसके लिए मैं इवेंट्स पे गई, इवेंट्स पे मैंने ले लिया वैन अप, ठीक है? उसके बाद मैं डांसर्स पे गई। डांसर्स पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं ओल्ड क्लैप हाई फॉरएवर और वंस का, यहाँ से मैंने ये ले लिया। अब पहले अजब मैं आपकी को प्रेस करूँ तो मुझे किसे डांस करवाना है, बियर को, तो मैंने यहाँ पर ले लिया बियर। और ये रहा रैंडम, ठीक है? यहाँ पे मैंने रैंडम ले लिया। दोबारा फिर मैं इवेंट पे गई। चलिए पहले मैं इतना रन करके देख लेती हूँ कि ये वर्क करता है या नहीं करता। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जब मैं डाउन की को प्रेस करूँ तो जो कैट है वो डांस करे। तो दोबारा से मैं इवेंट पे जाऊंगी, यहाँ से मैंने दोबारा से अप ले लिया और इसको स्क्रोल डाउन करती हूँ तो अप की जगह मैंने लेफ्ट ले लिया, ठीक है? फिर मैं डांसर्स पे गई, डांसर्स पे जाकर यहाँ पे अब मैं क्या ले लेती हूँ कैट, क्योंकि मैंने दो स्प्राइट ली थी, एक मैंने बियर लिया था और एक मैंने कैट ली थी। अब यहाँ पर भी मैं रैंडम ही ले लेती हूँ, ठीक है? अब मैं इसको रन करके देती हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे लेफ्ट लिया था लेकिन यहाँ पे मैं डाउन ले लेती हूँ। अब मैं इसको रन कर, अब एक तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है? तो दोबारा से अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट पे मैं जाऊंगी। क्रिएट पे जाने के बाद अगेन डांस पार्टी, ठीक है? तो ये मेरा सेटअप आ गया। यहां से मैं डांसर सिलेक्ट कर लेती हूँ और मेक अ न्यू कैट एट टॉप। अब कैट की जगह कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो,
ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। एलिन है, बियर है, कैट है, डॉग है, डक है। मैं ये शार्क ले लेती हूँ, ठीक है, मेक अ न्यू शार्क एट टॉप। अब मुझे इसको टॉप पे नहीं लेना है, मुझे इसको लेना है सेंटर में, तो मैंने इसको सेंटर में ले लिया। इतना पहले मैं रन करके देखती हूँ। अब मुझे इस सॉन्ग को चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगी, ये मैंने यहाँ से ले लिया। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जब फोर मीजर्स आए, तो फोर मीजर्स के बाद जो फ्रॉग, वो जो आपका शार्क है, वो क्लैप करने लग जाए। तो अब मैं देखती हूँ मीजर का ऑप्शन किस में है। वर्ड में तो नहीं है, फंक्शंस में तो फंक्शंस ही है, डांसर्स में। ये रहा इवेंट्स में, ठीक है, व्हेन फोर मीजर्स, तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, व्हेन फोर मीजर्स, आफ्टर फोर मीजर्स। After four measures क्या हो, dancers पे आप दोबारा जाइए, ये वाला ऑप्शन मैं ले लेती हूँ, और all की जगह मैं यहाँ पे अपनी स्प्राइट कर लेती हूँ जो मैंने चूज की थी। क्या चूज किया था मैंने, शार्क, ठीक है। और क्लैप हाई की जगह क्लैप हाई रख लेते हैं, चलो। और इसको अब मैं रन करके देती तो ये आपने देखा, जब यहाँ पर मीजर्स लिखा हुआ आएगा, तो जब फोर मीजर्स हो जाएंगे उसके बाद ये प्रोग्राम वर्क करेगा, यानी कि वो जो शार्क है वो क्लैपिंग करने लग जाएगा। चलिए दोबारा मैं आपको दिखाती हूँ कि मीजर्स कब लिखा हुआ आएगा यहाँ पर, जब हम इसको रन करेंगे। तो देखा आपने, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस के थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट के प्रोग्राम्स को क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं।